यू आकाशवाणी अनवर चौधरी ते खबर सुनो। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में 15 कोरोना वायरस का मजीद मामला होने नाल हुण तादाद बढ़ गए 125 हो गई है। 15 नवा मामला में 6 जम्मू खिता और 9 कश्मीर खिता ते दस्या गया है। कुल 125 मामला में 118 मुतहरक मुस्बत दस्या गए हैं, जिनमें 24 जम्मू और 94 वादी कश्मीर गए हैं। इन विचों 4 लोग सेहतयाब हुए हैं, जबकि 3 की मौत वाक्य हो गई है। 9,209 लोगों ने घर में क्वारंटाइन की होगी है, जबकि 567 हस्पताल में क्वारंटाइन है। 118 हस्पताल में अलग थलग रखा गया है और 20,735 अफराद वर उनका घर में ही सख्त रखी जा रही है। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर में 7,084 लोगों ने अपनी 28 रोज़ा पैनी नज़र मुद्दत मुकम्मल कर ली है। आम लोगों ने अपील की गई है कि वे अपना अपना करांगे अंदर ही रहें और समाजी फासली दूरी ते दीगर जारीशुदा हदायात और सख्ती नाल अमल करें। और जेड़ा लोगों ने बैरूनी ममालक को सफ़र किया हो वे खुद ब खुद बांधे आके अपना चेकअप करावें। हमला औरतों और निकवाया बच्चों वास्ते मुफ्त एम्बुलेंस की सहूलत दस्तियाब है और इस वास्ते 102 नंबर और मुफ्त टेलीफोन किया जा सके। सरकार की तरफों लोगों की इमदाद वास्ते के इमदादी लाइन भी खोली गई हैं। सेहत और तिब्बी तालीम का माली कमिश्नर अटल डुल्लू ने कोरोना वायरस का मुश्तबा मामलों का टेस्ट वास्ते सहूलियत न मजीद बढ़ाने पर जोर पाए हुए। उन्हें मुतलका अफसरों पर जोर पाए हुए कि COVID-19 का 73 का मरीजों का इलाज मुआलजा वास्ते सहूलियत फराहम कराई जाए। उन्हें 72 का हस्पताल न 73 का हस्पताल में तब्दील करने पर जोर पाए हुए और क्यों है कि 71 का हस्पताल न 72 में तब्दील की जाए ताजे इस वबा का मरीजों को इलाज मुअसर तरीके नाल किया जा सके। उन्हें कोविड का मरीजों का दीगर लोगों का राबतों को पतोलवान वास्ते भी क्यों है ताजे वबा और कामयाबी नाल काबू पाया जा सके। पूरा मुल्क में 508 मजीद नवा कोरोना वायरस का मामला ना हूं इन मामलों की गिनती बढ़ के 4,799 हो गई है, जबकि 124 अमवात की तस्दीक भी हुई है। इस वक्त 4,312 मामला हैं, जबकि 353 लोगों ने बीमारी से अफाक हो गया है और उन्होंने हस्पतालों को छुट्टी कर दी गई है। ज़राए अबलाग के नाल गलबात करता हूँ वजारत सेहत का जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने दस्यो है कि सरकार इलाकाई सतह पर इस वबा ना थमन की कोशिश कर रही है और इस हिकमत अमली का उत्तर प्रदेश आगरा और गौतम बुद्ध नगर में हौसला अफजा नतीजा बरामद हुआ है। और इसी तरह राजस्थान दिल्ली केरला वगैरह में भी यह हिकमत अमली कामयाब रही है। उन्हें दस्यो कि भारतीय रेलवे ने कम से कम 40,000 अलग थलग बिस्तरों को 2,500 कोचों में इंतजाम किया है और रेलवे पौना 400 बिस्तरों को रोजाना इंतजाम कर रही है। इससे दौरान जम्मू कश्मीर का पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने COVID-19 का कंट्रोल वास्ते मुख्तलिफ सतह के अफसरों की एक हंगामी मीटिंग तलब करके इंतजाम को जायजा लिया। उन्होंने पुलिस का किरदार की इस दौरान तारीफ करते हुए क्योंकि इस मुश्किल की कड़ी में पुलिस अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। उन्हें क्योंकि इस वक्त यह वबा एक बहुत ही हिस्सा मुकाम उभरे और ऐसा वक्त में हमने बहुत ही एहतियात और हिकमत अमली नाल काम लेने की लोड़ है। उन्होंने हर जिले में पुलिस की तरफ वबा तो बचाव वास्ते सामान तैयार करने की भी तारीफ की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मुश्तरका हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गुज़श्ता रोज़ 93 जजों ने हल्फ दवाई। इन जजों में जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, जस्टिस संजय दर और जस्टिस पुनीत गुप्ता शामिल हैं। इन जजों ने मुस्तकिल जजों का तौर पर हल्फ दवाया गया है। कोरोना वायरस वबा की वजह तो हल्फ बर्दारी की तकरीब में आम लोगों जजा और वकीलों ने शामिल नहीं किए गए तो और यह तकरीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाकद करवाई गई। इन जजों का हल्फ लेने तो बाद हुन हाई कोर्ट जजों की तादाद बढ़ के 12 हो गई है। मंजूरशुदा तादाद 17 है, जिनमें 13 मुस्तकिल जज हो सके, जबकि 4 इजाफी जजों की असामी फी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर पहली जमात तो 9वीं जमात का जम्मू खिता का तालिब इल्मा अगली जमातों वास्ते अहल करार दे दिया है, जबकि 11वीं जमात का जम्मू और कश्मीर डिवीजन का तालिब इल्मा भी अगली जमातों वास्ते अहल करार दे दिया है। क्यों है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन महकमा की तरफों एक हुक्मनामा में क्यों गया है कि ये तालिब इल्म हूँ 2020-2021 का सेशन वास्ते अहल हो गए हैं। हुक्म के मुताबिक जिन तालिब इल्मा ने अपना इम्तिहानी फार्म पुर किया हुए हैं
वही तालब इल्म अगली जमातों वास्ते अहल वेंगा। के रियासती सरकारों की तरफों मरकज ने यह अपील की जा रही है कि 14 अप्रैल की लॉकडाउन की तारीख ना आगे बताई जाए। दूरदर्शन की खबर का हवाला संग दस्यों की है कि के रियासती हुकूमत की दरखास्त बाद मरकजी हुकूमत भी इस सब्र गौर कर रही है। इससे दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अवाम ना क्यों है कि वह इस वबा के खिलाफ एक बड़ी जंग वास्ते पूरी तरह तैयार रहे। वर वजारत सेहत ने क्यों है कि लॉकडाउन की मुद्दत आगे बदान और अजा कोई फैसलो नहीं ली होगी हुए। गुजश्ता रोज जिला अनंतनाग का बिजबहाड़ा इलाका में दहशतगर्दा नाल एक टाकरामा सीआरपीएफ को एक जवान शहीद हो गयो। शहीद हुए जवान की शिनाख्त शिवलाल का तौर पर की गई है। इससे दौरान आज सवेरे जिला बारामूला का गुलाबहत इलाका में राष्ट्रीय राइफल सीआरपीएफ और पुलिस की एक सांझी टीम तलाशी मुहिम में जुटी हुई है और इस दौरान त्रै मिलिटेंट उनका नरगम है और आखिरी खबर मिलने तोड़ी या तलाशी मुहिम और टाकरो अजा भी जारी थो। इसके नाली खबरों की बुलेटिन खत्म हुआ।